हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन का 360p में कर लें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ऑल पे रखिएगा नोटिफिकेशन वाला घंटा, ठीक है? क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और टूरिस्ट प्लेस का अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विशेष शाखा आरक्षी, ठीक है? तो लेट ना करते हुए चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं दिनांक 1/9/2019 को जो एग्ज़ाम दिए थे, तो लिखा हुआ लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र, सभी पत्रों के प्रश्न पत्र कोड ए, कोड बी, कोड सी एवं कोड डी से संबंधित सभी प्रश्नों को की उत्तर कुंजी एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट दे दिया है, www.jssc.nac.in पे, ठीक है? देख लीजिए, प्रकाशित की गई है। तो चलिए दूसरा नंबर पे देखते हैं। अपनी ऑनलाइन आपत्ति सुझाव दर्ज करने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा से सम्मिलित हुए हैं, सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट पर जाएं तथा टेनेटिव आंसर की एंड ऑब्जेक्शन लिंक ऑफ SBCC 2018 को क्लिक करें, ठीक है? इसके बाद लॉगिन डिटेल्स टू सबमिट फीडबैक पेज आने पर अपना रोल नंबर डालिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दर्ज कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद तदुपरांत अभ्यर्थी सभी प्रश्न पत्रों का टेनेटिव आंसर की डाउनलोड करें। समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी औपबंधिक उत्तर के विरुद्ध आपत्ति देना चाहे तो अगले अनुदेशों का पालन करते हुए फॉर एनी क्वेरी स्लैश फीडबैक रिलेटेड टू क्वेश्चन स्लैश आंसर की पर क्लिक कर अपनी आपत्ति सुझाओ। तो कब से दे सकते हैं? 13/9/2019 के पूर्वाह्न 11 बजे से, ठीक है? 13/9/2019 से 11 बजे से आप दे सकते हैं, से लेकर 19/9/2019 के अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है? ऑनलाइन ऑनलाइन ही संपीड़ित कर सकते हैं तथा इससे संबंधित साक्ष्य डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर पर चलिए देखते हैं क्या देवा इस उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियां ऑनलाइन ही समर्पित की जाएंगे, ठीक है? जिसके लिए मात्र एक अवसर दिया ही जाएगा, ठीक है? एक ही बार, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन सही किया और ये एग्जामिनर द्वारा जो मतलब जो कॉपी चेक कर तो वो गलत कर दिए हैं, तो मतलब उस क्वेश्चन पे दावा कर रहे हैं, तो आपको एक ही बार चांस दिया जाएगा, ठीक है? अतः अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि सर्वप्रथम सभी प्रश्न पत्रों की औपबंधिक उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर लें, ठीक है? तदुपरांत अपनी आपत्ति सुझाव संकलित कर एक बार ही अपनी आपत्ति या स्लैश सुझाव सच के साथ अपलोड करें, ठीक है? तो एन किसी माध्यम तथा डाक, ईमेल आदि द्वारा दी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी, साफ साफ लिखा है। और जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए उनके द्वारा समर्पित आपत्ति या सुझाव विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला घंटा जरूर जरूर दबाइएगा और ऑल पर रखिएगा, ठीक है? तभी मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?